सर जी बात ऐसी है, आप यहाँ ये देखो बालाडेरी से लेकर रामप्रसाद घाट तक क्या कि पूरे पार्क से रोड पूरी सड़क धस चुकी है, या कभी जन जाने का हादसा हो सकता है, पर अभी एक दो बारी अच्छी पड़ी नहीं कि पूरे धस जाएगा, यहाँ हजारों जाने का रोज का आना जाना है। क्या स्थिति हो रही है? स्थिति आप देखो ना तो यहाँ कोई बैरिकेडिंग लग रखी है, ना कोई बल्ली का इंतजाम है, ना कोई चेतावनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक दो बारिश गिरी नहीं और ये सड़क अंदर गई नहीं। कितने लोग आते हैं घूमने? यहाँ रोज हजारों आते हैं, आमजन का रास्ता है क्या, और आमजन भी घूमते ही हैं, बाहर की जारी छोड़ो आप हजारों तादाद में आते हैं। ये क्या हादसा कभी हो सकता है? आपका नाम? राजेश। ये बहुत टाइम से भैया पहले थोड़ा था, अब ज्यादा हो गया, जैसे भी आने वाले जायरीनों को भी खतरा है, इससे आते जाते हैं तो यहाँ पर कुछ रोक टोक नहीं है। बहुत टाइम से बीच में दीवाल का काम शुरू करा था पर वापस से बंद कर दिया। अजमेर में स्पॉन्सरिटी का काम चल रहा है पर इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। कितने जायरीन रोज आते हैं घूमने? यहाँ पर लाखों जायरीन आते रोज के, पर ये इसका कोई ध्यान नहीं कर रहा, खतरा है इससे जायरीनों को। सेफ्टी के हिसाब से कुछ नहीं लगा रहा क्या? कुछ भी नहीं लगा रहा। पहले बल्लियाँ लगा रखी थी? पहले बल्लियाँ लगा रखी थी, वो हटा दिया फिर दीवाल का काम शुरू करने के लिए, तो वो भी बंद कर दिया, 3 दिन हो गए। ओके, धीरे धीरे ढसने लगा क्या? हाँ, अगर ये बरसात आएगी, अगर एक बारिश में जम क्या गई तो ये अंदर चला जाएगा। कैसा खतरा हो सकता है? ये बड़ा असर है, कभी बड़ा असर हो सकता है। हाँ, क्या 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 कहना चाहोगे प्रशासन को? ये इसको कैसे भी करके सही करें, जल्द से जल्द जो हादसा टले। आपका नाम? शिवराज सिरसिया।